हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका टायर वन का एग्ज़ाम है एसएससी का, चाहे फिर आपका टायर टू एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, या फिर आपका एग्ज़ाम है बैंकिंग का। क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ फ्रेजल वर्ब। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। हम टोटल हमारे फ्रेजल वर्ब के लेक्चर में 300 फ्रेजल वर्ब जो है डिस्कस करेंगे। तो इस पहले पार्ट के अंदर मैंने 100 से 150 तक जो है आपकी फ्रेजल वर्ब काउंट की है इसके अंदर। तो इसमें लगभग आपकी ए से लेके आई तक की जो है फ्रेजल वर्ब जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं मीनिंग आपको बताऊंगा फ्रेजल वर्ब के, और साथ ही साथ एग्जांपल भी देखते रहेंगे फ्रेजल वर्ब का, ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक सक्सेस मंत्र एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर समथिंग का मतलब होता है कि जवाब देना या फिर किसी चीज़ का कारण बताना। मतलब आप कह लीजिए कि टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करें, यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिस कंडक्ट। मीन्स आपको जो आपका व्यवहार है मिसकंडक्ट किया है उसका जवाब देना, उसका कारण बताना, अकाउंट फॉर का मतलब होता है। ही आस्क्ड हर टू अकाउंट फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। उसने उससे पूछा क्या कि अकाउंट फॉर किस चीज़ का डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, की मुगल एम्पायर के पतन के क्या कारण थे। अकाउंट फॉर मीन्स जवाब देना या किसी चीज़ का कारण बताना। नेक्स्ट है आपका ऐड अप। ऐड अप का मतलब होता है कि में जुड़ जाना, जिसे जैसे कि माप या भार में बढ़ोतरी कर देना, ऐड अप का मतलब होता है। मीन्स कि टू जॉइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज क्वांटिटी क्वालिटी और स्कोप। ठीक है, तो आप ऐड अप किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको कोई हिस्सा जो है जोड़कर दिखाना पड़े। ठीक है, साइज जोड़कर दिखाना पड़े, क्वांटिटी जोड़कर क्वालिटी जोड़कर जो है दिखानी पड़े। तो ऐड अप का मतलब होता है टू जॉइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज क्वांटिटी क्वालिटी और स्कोप। आई आस्क्ड हिम टू ऐड अप 10 फिगर्स। मैंने उससे 10 फिगर्स जोड़ने के लिए पूछा। एड अप, सो यहाँ पे आपका एड अप यूज़ किया गया है। एड अप का मतलब होता है कि किसी में जोड़ना, जैसे कि माप हो गया, भार हो गया और क्वालिटी। आंसर फॉर, आंसर फॉर का मतलब होता है के प्रति जवाबदेह होना, किसी चीज़ के प्रति जवाबदेह होना। मींस आप कह लीजिए इंग्लिश में टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक। मीन्स कि इस गलती के लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप ये एग्जांपल ले सकते हो। तो आंसर फॉर का मतलब होता है जवाबदेह होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। आई कैन नॉट आंसर फॉर हिज मिसकंडक्ट। आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर का मतलब होता है कि जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स से पूछते हो उनके हालचाल के बारे में, उनकी सेहत के बारे में। सो आस्क आफ्टर होता है किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना। ठीक है, तो मीन्स टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन। आई मेट अलका एंड शी वॉज आस्किंग आफ्टर यू। मैं अलका से मिला था, वह तुम्हारे सेहत के बारे में हालचाल पूछ रही थी। ही आस्क्ड आफ्टर हर हेल्थ। ये भी आप एग्जांपल ले सकते हो इसमें। आस्क फॉर, आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ की डिमांड करना। आस्क फॉर समथिंग किसी चीज़ की डिमांड करना।
लाइक इंग्लिश में मतलब हो गया इसका आपका टू डिमांड, टू डिमांड. शी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी. शी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी. ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो आस्क फॉर का, मीन्स टू डिमांड. शी आस्क्ड मी फॉर हेल्प. ये भी एक एग्जाम्पल है आस्क फॉर के लिए. नेक्स्ट है आपका अटेंड ओन. अटेंड ओन का मतलब होता है किसी की सेवा में रहना या किसी की सेवा करना, ठीक है, उसको सर्व करना, मीन्स टू सर्व. सो राधिका हैज़ मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ओन हर. मतलब कि राधिका के पास काफ़ी सर्वेंट हैं उसकी सेवा करने के लिए. तो अटेंड ओन का मतलब होता है टू सर्व. राम हैज़ मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड हिम ऑन. बैक ऑफ. बैक ऑफ का मतलब होता है आपका कि किसी चीज़ के प्रति दावा छोड़ देना. बैक ऑफ का मतलब होता है दावा छोड़ देना. दावा छोड़ देना मीन्स टू रिट्रीट और टू चूज नॉट टू टेक एक्शन. फाइनली शी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया बैक ऑफ का. तो बैक ऑफ का मतलब होता है दावा छोड़ देना. ही क्लेम्ड दैट द रिकवर्ड मोबाइल वॉज हिज, बट वेन ही वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द पेपर ही बैक्ड ऑफ. वह उसने दावा छोड़ दिया. किस पर? मोबाइल पर, क्योंकि उसके पास पेपर ही नहीं थे मोबाइल से रिलेटेड. नेक्स्ट है आपका बैकआउट. बैकआउट का मतलब होता है कि वादे से मुकर जाना. बैकआउट का मतलब होता है वादे से मुकर जाना. या फिर आप कह लीजिए यदि आप कोई काम करते हैं, ठीक है, उस कार्य के पूरा होने से पहले ही उससे पीछे हट जाना. एक ये भी मतलब होता है इसका, हट जाना. यदि इसकी इंग्लिश की बात करें मीन्स टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कम्प्लीटिशन और टू फेल टू कीप प्रॉमिस. ये होता है बैकआउट का मीनिंग. यू शुड नॉट बैकआउट फ्रॉम योर प्रॉमिस. ये एक एग्जाम्पल हो गया. यू शुड नॉट बैकआउट फ्रॉम योर प्रॉमिस. तो आपको अपने प्रॉमिस से जो है पीछे नहीं हटना चाहिए, मुकरना नहीं चाहिए. शी बैकड आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस ऑफ मैरिंग हिम. वह अपने प्रॉमिस से पीछे हट गई या मुकर गई जो उसने किया था उससे शादी करने का. मैरिंग हिम. बैकअप. बैकअप का मतलब होता है सहायता देना. ठीक है, आप फिल्मों वगैरह में भी सुनते होंगे कि जब वो जो पुलिस वाले बोलते हैं कि वी नीड बैकअप. ठीक है, बैकअप होता है सहायता देना, मीन्स टू सपोर्ट. टू सपोर्ट. फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो आई नीडेड पावर बैकअप इन केस द लाइट वेंट ऑफ. इन केस द लाइट वेंट ऑफ. ये एक एग्जांपल हो गया आपका बैकअप का. मींस किसी को सपोर्ट करना. वी बैक्ड हिम अप इन दिस इलेक्शन. हमने उसे इस इलेक्शन में पूरा सपोर्ट किया था, मींस पूरी सहायता की थी. बैंक ऑन या फिर बैंक अपॉन एक ही बात है. और बैंक ऑन अपॉन की जगह आप काउंट ऑन, COUNT, काउंट ऑन, ये भी एक ही बात है. दोनों का मीनिंग एक ही है, मीन्स किसी पर विश्वास करना या फिर किसी पर निर्भर होना. ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब. यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम एज ही मे टेक यू इन एनी टाइम. तुम्हें उस पर विश्वास या निर्भर नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट बैंक ऑन देयर हेल्प, मीन्स हमें उनकी सहायता, हमें उनकी सहायता के लिए या उनकी सहायता के लिए उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए. बियर डाउन. बियर डाउन का मतलब होता है परास्त कर देना किसी को, मीन्स टू ओवरथ्रो और
क्रश बाय फोर्स, मतलब कि बल का प्रयोग करके किसी को परास्त कर देना, हरा देना। वी हैव टू बियर डाउन आवर एनिमीज। बियर ऑन अपॉन, सॉरी बियर अपॉन होगा यहां पर, बियर अपॉन होगा। बियर अपॉन का मतलब होता है आपका से संबंधित होना, ठीक है, मीन्स टू बी रेलिवेंट। योर सजेशन डज नॉट बियर ऑन माई प्रॉब्लम, कि जो तुम्हारी सजेशन है वह मेरी समस्या से संबंधित नहीं है। बियर ऑन का मतलब होता है से संबंधित होना या के प्रासंगिक, जो हिंदी वाले हैं वो सुन लीजिए, प्रासंगिक होना। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है कि किसी बात को सही साबित करने में सहायक होना, मीन्स टू सपोर्ट द ट्रूथ, टू सपोर्ट द ट्रूथ। वी विल बियर हर आउट इन हर मिशन। जैसे कि एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, कि दिस डॉक्यूमेंट विल बियर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग। सो बियर आउट का मतलब होता है कि सही साबित करने में सहायक सिद्ध होना। बियर अप का मतलब होता है आपका सहना, ठीक है, मीन्स टू विदस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी। बियर अप का मतलब होता है आपका सहना। सोनाली बोर अप वेल अगेंस्ट ऑल हर मिस फॉर्च्यून्स। एवरीवन हैज टू बियर अप सम डिफिकल्टीज, सभी को कुछ समस्याएं सहन करनी चाहिए। बियर विद, बियर विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, मीन्स टू टॉलरेट विद समवन। बियर विद का मतलब होता है आवर सर्वर इज डाउन, काइंडली बियर विद अस। बिकम ऑफ, सॉरी बॉयल डाउन टू, बॉयल डाउन टू का मतलब होता है आपका कि सार निकालना, संक्षिप्त करना, हिंदी में इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना। प्लीज बॉयल डाउन टू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि टू बी रिड्यूस्ड टू इट्स इसेंशियल, मीन्स सिर्फ जो मेन पॉइंट है, ठीक है, उसको ही ध्यान में लेना, ठीक है, उसके बारे में ही बात करना, बॉयल डाउन मेन पॉइंट पर आना। ब्रांच आउट, ब्रांच आउट का मतलब होता है आपका फैल जाना, फैल जाना, हिंदी में इसका मतलब होता है मीन्स टू स्प्रेड। We are going to branch out our business soon. His business is branching out. ये भी एक example आप ले सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, We are going to branch out our business soon. Breakdown. यदि बात करें machinery की, तो breakdown का मतलब होता है आपका कि किसी machinery का काम करना बंद कर देना, चाहे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कोई भी मशीनरी है जो वर्किंग में है, उसका काम करना बंद कर देना, मीन्स टू स्टॉप वर्किंग, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक डाउन। द बस स्ट्रोक डाउन ऑन द वे सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन। द बस स्ट्रोक डाउन नहीं, ब्रेक डाउन।
द बस ब्रेक डाउन ऑन द वे सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन। फिर आपका ब्रेक डाउन किसी पर्सन के लिए यदि हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हिम्मत खो देना, हिम्मत खो देना, या फिर बोल लीजिए कि हौसला खो देना, ब्रेक डाउन का मतलब। ठीक है, वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन। तो हमें मुश्किल हालातों के अंदर अपना जो है हौसला नहीं खोना चाहिए, हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। ब्रेक फोर्थ, ब्रेक फोर्थ का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अचानक प्रकट होना, अचानक आप बोल लीजिए उजागर होना। एकदम अचानक से सामने आना। कायोस माइट बी ब्रेक फोर्थ इफ द पुलिस फेल टू कंट्रोल द सिचुएशन। और इंग्लिश में बात करूँ इसका मीनिंग टू कम टू व्यू और टू अपीयर सडनली, ब्रेक फोर्थ का मतलब होता है। ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है आपका कि किसी डिस्कशन में, ठीक है, किसी वार्तालाप में इंटरप्ट करना, खलल डालना, हिंदी में बोल सकते हो आप खलल डालना, ठीक है, मीन्स टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन, या फिर आप बोल लीजिए टू इंट्रूड, खलल डालना। द कन्वर्सेशन बिटवीन, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि द कन्वर्सेशन बिटवीन अमर एंड शेफाली वॉज गोइंग ऑन वेन रेहान ब्रॉक इन ऑन। तो यहाँ पे ब्रॉक इन ऑन का मतलब है आपका खलल डालना, इंटरप्ट करना। ब्रेक इन टू मैंने आपको जो है प्रेपोजिशन वाले लेक्चर में भी बताया था, ब्रेक इन टू का मतलब होता है कि घर में ज़बरदस्ती प्रवेश करना, ठीक है, मीन्स टू एंटर बाय फोर्स। द थीफ ब्रोक इन टू द हाउस, सम थीव्स ब्रोक इन टू हिज हाउस लास्ट नाइट। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है आपका रुक जाना, टू स्टॉप सडनली, या फिर होता है कि टू एंड अ रिलेशनशिप, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप या फिर टू स्टॉप सडनली, ये दोनों मीनिंग होते हैं ब्रेक ऑफ के। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज लेक्चर यस्टरडे। शी हैज ब्रोकन ऑफ हर एंगेजमेंट। तो ये है आपका जो है रिलेशनशिप से रिलेटेड, और जो पहला है ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज लेक्चर, मींस लेक्चर देते समय अचानक से रुक गया, लेक्चर यस्टरडे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल हैं आपके। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अचानक फैल जाना, अचानक फैलना, और अधिकतर हम इसको यूज़ करते हैं किसी बीमारी से रिलेटेड, ठीक है, मीन्स टू स्टार्ट सडनली, चाहे आपका कोई डिसीज़ है, और वॉर के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, लड़ाई, वॉर। डेंगू ब्रोक आउट इन माय विलेज लास्ट ईयर, ठीक है। तो डेंगू मीन्स ब्रोक आउट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अचानक फैलना। नेक्स्ट है आपका ब्रेकअप, ब्रेकअप आप समझते ही होंगे, मीन्स टू एंड या फिर डिस्पर्स, खत्म होना, भंग होना, ठीक है। सीइंग द पुलिस द क्राउड ब्रोक अप, सीइंग द पुलिस द क्राउड ब्रोक अप। नेक्स्ट है आपका ब्रेकअप, यदि हम बात करें रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसका मतलब होता है अलग हो जाना, से अलग हो जाना, ठीक है, ब्रेकअप का मतलब होगा, मीन्स टू सेपरेट ऑफ अ रिलेशनशिप। दे हैव ब्रोक अप एंड नाउ मैरिज इज नॉट ऑन कार्ड्स।
ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो का मतलब होता है किसी रहस्य की खोज करना, मीन्स टू डिस्कवर अ सीक्रेट, ब्रेक थ्रो का मतलब होता है। देर इज नो ब्रेक थ्रो इन द रॉबरी केस, देर इज नो ब्रेक थ्रो इन द रॉबरी केस। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि होने का कारण होना, ठीक है, किसी चीज के होने का कारण होना, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है मीन्स टू कॉज टू हैपन, टू कॉज टू हैपन। रॉन्ग डिसीजंस ब्रिंग अबाउट फेलियर्स, तो यहां पे फेलियर्स का क्या कारण है, रॉन्ग डिसीजन। ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है किसी को साथ लाना, साथ लेके आना, मीन्स टू टेक समवन या फिर समथिंग, किसी चीज को साथ लाना। आई आस्क्ड हर टू ब्रिंग हर हस्बैंड अलोंग, सो यहां पे ब्रिंग अलोंग का मतलब है साथ लाना। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कि किसी पद में, ठीक है, कमी करना, कम करना, या फिर आप बोल सकते हो सत्ता से नीचे गिराना, मीन्स टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट या फिर टू रिड्यूस इन पोजिशन, ब्रिंग डाउन का मतलब है। द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है आपका पैदा करना, उत्पन्न करना। मीन्स टू गिव बर्थ या फिर टू प्रोड्यूस, इसका मतलब है इंग्लिश में। करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी, मीन्स जो करप्शन है वो गरीबी पैदा करती है। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने रखना या फिर आप बोल सकते हो प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट समथिंग। द जज आस्क्ड मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम, तो जज ने मुझसे पूछा क्या कि आप कुछ फैक्ट रखिए मेरे सामने, ब्रिंग फॉरवर्ड प्रस्तुत कीजिए अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम। ब्रिंग इन का मतलब होता है आपका पैदा करना या फिर टू कमाई करना, हिंदी में इसका मतलब है, ठीक है, कमाई करना। और इंग्लिश में इसका मतलब है मीन्स टू प्रोड्यूस याइल्ड और या फिर अर्न। आवर कंपनी विल ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ, यहां पे ब्रिंग इन का क्या मतलब है इस सेंटेंस में, अर्न। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कि करने से सफल होना, ठीक है, मीन्स टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, बनना मीन्स टू कॉज टू हैपन। द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, मीन्स जो नया लॉ होगा, ठीक है, वो सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाने का क्या बनेगा, कारण बनेगा।
ब्रिंग ऑन का कारण बनना। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है आपका कि कुछ पॉइंट्स को, कुछ बात को विशेष जानकारी में लेके आना, ठीक है, विशेष जानकारी में लेके आना किसी की, या फिर आप इसको बोल सकते हो वही टू प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, ठीक है। सो टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, या फिर आप बोल सकते हो टू मेक सम क्वालिटी नोटिसिएबल। हिज एविडेंस हैज कन्विंसिंगली ब्रॉट आउट सेवरल फैक्ट्स दैट वर नॉट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है कि किसी को अपनी तरफ लाना, मीन्स किसी को अपने साइड में करना, अपने पक्ष में करना किसी को, इसका मतलब होता है हिंदी में, मीन्स टू ब्रिंग समवन एट वन साइड। वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर टू अस एज ही इज नॉट अ गुड पर्सन, मीन्स हमें उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह एक बुरा आदमी। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है आपका कि किसी को होश में लाना, या फिर ब्रिंग राउंड का मतलब होता है कि अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाना, ठीक है, मीन्स टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस, या फिर आप बोल सकते हो टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन। The trade union succeeded in bringing the management round to their point of view. तो यहाँ पे जो आपका bring round का use हुआ है, bringing round, यहाँ पे मतलब है आपका कि to make one agree to one's opinion, अपने opinion के लिए राजी करना। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर का मतलब होता है आपका हिंदी में वश में करना किसी को, मीन्स किसी को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल। द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मैनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल। यहाँ पे ब्रिंग अंडर का मतलब है वश में करना। ब्रिंग अप का मतलब होता है कि किसी का पालन पोषण करना, या फिर बोल सकते हो आप, ठीक है, कोई मुद्दा उठाना, दो मतलब है इसके, किसी का पालन पोषण करना या फिर कोई मुद्दा उठाना। टू रेज या फिर टू रियर या फिर टू इंक्रीज। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली। कॉल ओन, कॉल ओन इम्पोर्टेंट है आपका, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कॉल ओन का मतलब होता है आपका कि किसी से जाकर मुलाकात करना, किसी से जाकर भेंट करना, इसका हिंदी में मतलब होता है, मीन्स टू विजिट समवन, टू विजिट अ पर्सन, कॉल ओन का मतलब होता है। द पीएम विल कॉल ओन द फ्लड विक्टम्स टुमारो। कॉल एट का मतलब होता है किसी के घर जाकर या फिर ऑफिस जाकर उससे मुलाकात करना या उससे मिलना। लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस बट यू आर नॉट एट होम। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना किसी चीज़ की या फिर मांग करना, इसका मतलब होता है कॉल फोर का, मीन्स टू डिमांड आंसर एक्सप्लेनेशन या फिर थिंग। दिस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट डिमांड। दिस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हर। स्ट्रिक्ट एक्शन
अगेंस्ट हम। कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ का मतलब होता है आपका कोई रिएक्शन पैदा करना, मींस कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। द न्यू लैंड एक्वाइजिशन बिल कॉल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है आपका किसी को बुलावा भेजना, बुलावा भेजना, मीन्स टू समवन, टू समवन या टू सेंड फॉर। शी इज टू इल टू कॉल इन अ डॉक्टर। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है आपका कैंसिल कर देना, ठीक है, स्थगित कर देना, स्थगित करना या फिर कैंसिल करना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ विदाउट एनी रीजन। कॉल ऑफ का मतलब होता है आपका स्थगित करना, कैंसिल करना। कॉल अप, कॉल अप का मतलब होता है आपका कि किसी को याद करना। कॉल अप का मतलब होता है याद करना, मीन्स टू रिकॉल। द विक्टिम ट्राइड टू कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट बट शी कुडंट। तो उसने एक्चुअल सीक्वेंस था जो इंसिडेंट हुआ था उसको याद करना चाहा परंतु वह नहीं कर सकी। सो कॉल अप का मतलब होता है याद करना। कॉल ऑन, कॉल अपॉन का मतलब होता है आपका कि किसी को कुछ करने या फिर बोलने के लिए आमंत्रित करना, मीन्स टू इनवाइट, टू इनवाइट टू डू समथिंग। कॉल अपॉन या फिर कॉल ऑन का मतलब होता है आपका आई कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बीज किसी को कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है आपका कि किसी को भावुक करना या फिर उत्तेजित करना, उत्तेजित करना या फिर भावुक करना। टू अराउज टू मच इमोशन, टू अराउज टू मच इमोशन या फिर जील, मीन्स उत्साह। आई वॉज कैरिड अवे बाय द इमोशनल सीन ऑफ द मूवी। कैरिड अवे, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है आपका टू एग्जीक्यूट, कार्यवंत करना। द रोल ऑफ रोमियो वॉज डिफिकल्ट बट ही कैरिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूटिफुली। नेक्स्ट है आपका कम बाय, कम बाय का मतलब होता है आपका प्राप्त होना, प्राप्त होना या करना, ठीक है, या फिर मिलना, मीन्स टू गेट। इट इज़ डिफिकल्ट टू कम बाय अ गुड जॉब नाउ अ डेज। तो आजकल एक अच्छी जॉब मिलना क्या है, मुश्किल। तो यहाँ पे कम बाय का मतलब है टू गेट। कैरी ऑन, कैरी ऑन तो आपको पता ही होगा, टू कंटिन्यू, जारी रखना, यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है आपका कि किसी कार्य या फिर आदेश का पालन करना या उसको पूरा करना, मीन्स टू कंप्लीट और फुलफिल या फिर टू एग्जीक्यूट। वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल के आदेशों का पालन करना चाहिए या उन्हें पूरा करना चाहिए। कैच ऑन, कैच ऑन होता है आपका लोकप्रिय होना, मीन्स
कि टू बिकम पॉपुलर, वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू कैच ऑन द सिलेबस। और कैच ऑन का मतलब एक और भी होता है आपका टू अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है। कैरी से रिलेटेड आपका एक और था कि कैरी थ्रो, कैरी थ्रो का मतलब होता है आपका टू सस्टेन या फिर टू परसिस्ट, मीन्स बनाए रखना, कैरी थ्रो का मतलब होता है। आई कैरिड थ्रो द फीलिंग्स दैट आई हैड फॉर हिम टू द प्रेजेंट, कैचअप विद का मतलब होता है कि बराबरी पर आना, ठीक है, बराबरी पर आना, पहुंचना, बराबरी पर आ जाना, मीन्स टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, वर्क हार्ड टू कैचअप विद देम, वर्क हार्ड टू कैचअप विद देम। सो यहां पे कैचअप विद का मतलब है आपका बराबरी पर आना या के बराबर आना। चांस अपॉन का मतलब होता है आपका कि किसी से अचानक मिलना या फिर अचानक मिल जाना, चांस अपॉन, टू मीट, टू गेट बाय चांस। आई चांस्ड अपॉन वन ऑफ माय फ्रेंड्स when I was going to market, तो यहाँ पे चांस अपॉन का मतलब है आपका अचानक मिल जाना। क्लियर ऑफ का मतलब होता है आपका कि सभी आरोपों से मुक्त करना, means to free from blame, clear off का मतलब है आपका He was cleared off by the judge. तो जज ने उसे सभी आरोपों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। Close in का मतलब होता है आपका कि किसी को चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है, किसी को चारों तरफ से घेर लेना, means to encircle closely. The police personnel closed in on the suspect. तो यहां पे closed in का क्या मतलब है, चारों तरफ से घेर लेना। Come about का मतलब होता है आपका घटित होना, means to happen. Come about. How did these huge losses in your business come about? Come across का मतलब होता है to meet someone by chance, means किसी से अचानक से मुलाकात होना, to find unexpectedly या फिर Meet by chance. I came across my childhood friend yesterday. Come down का मतलब होता है नीचे आना, या आप बोल सकते हो एक और मीनिंग है इसका, सस्ता होना, come down का मतलब, ठीक है। To become lower or cheaper. अब इसका आप किसी भी प्राइस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किसी की वैल्यू के लिए, कीमत के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, कम डाउन। सो द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सपोज टू कम डाउन सून, कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आपका कि किसी की सहायता के लिए आगे आना,
means to offer help. Several people came forward to offer help to the flood victims. Close down. Close down का मतलब होता है आपका बंद हो जाना, बंद हो जाना. यदि मैं इंग्लिश में बात करूं टू स्टॉप ऑपरेटिंग, द पेट्रोल पंप्स ऑफ रिलायंस क्लोज्ड डाउन. नेक्स्ट है आपका कम इन फोर. कम इन फोर का मतलब होता है आपका कि टू रिसीव या फिर सब्जेक्टेड टू, सामना करना. हिंदी में इसका मतलब है सामना करना. His misdemeanor comes in for harsh criticism. Come off. Come off का मतलब होता है आपका उत्पन्न होना. उत्पन्न होना हिंदी में मतलब होता है इसका, या फिर आप इंग्लिश में बोल लीजिए कि to originate, या फिर to be the result of something. Nothing came of his efforts, though he tried his best. So यहां पे come of का मीनिंग है आपका क्या, उत्पन्न होना या फिर to result of something. Come off, come off audible का मतलब होता है कि सफल होना. सफल होना means happen, succeed आप बोल सकते हो इंग्लिश में. द डील डिड नॉट कम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट. तो जो डील है वो सक्सीड नहीं हो सकी मेरे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद. तो यहाँ पे कम ऑफ का मतलब है आपका सफल होना. कम आउट. कम आउट का मतलब है आपका बाहर आना एक तो, या बोल सकते हो कि कोई चीज़ जाहिर होना. मीन्स टू कम इन टू पब्लिक व्यू और टू हैपन. द इन्वेस्टिगेशन टीम मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ एज सून एज पॉसिबल. कम राउंड. कम राउंड का मतलब होता है आपका कि किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने विचारों को बदल लेना, अपने डिसीजन को बदल लेना. ठीक है, कम राउंड का मतलब होता है मींस टू एक्सेप्ट समवंस ओपिनियन. टू एक्सेप्ट समवंस ओपिनियन. ही टुक सम टाइम टू कम राउंड टू माय साइड बट नाउ ही एग्री टू माय ओपिनियन. कम थ्रो. कम थ्रो का मतलब होता है आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है वो करना. ठीक है, मीन्स टू डू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, या फिर टू बिकम कम्युनिकेटेड. बिकम थ्रो का मतलब है द मैसेज ऑफ द पीएम केम थ्रो लाउड एंड क्लियर. कम डाउन. कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना. एक से दूसरी पीढ़ी में जाना भी इसका मतलब होता है. मीन्स टू फॉल या फिर टू पास बाय एज ट्रेडिशन. दीज कस्टम्स हैव कम डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. तो यहाँ पे कम डाउन का मतलब क्या है आपका कि एक पीढ़ी से दूसरी में जाना. टू पास बाय एज ट्रेडिशन. कम टू. कम टू का मतलब होता है आपका होश में आना. होश में आना. नतीजा होना भी इसका मतलब है. नतीजा, सॉरी, नतीजा होना. कम टू मीन्स टू गेन कॉन्शियसनेस या फिर टू रिकवर या फिर टू गेट रिजल्ट. ठीक है, कम टू का मतलब. He came to his senses after a short while.
कम अप, कम अप का मतलब होता है कि कोई मुद्दा उठाना, मुद्दा उठाना कम अप का मतलब होता है, मीन्स मूटेड और रेज्ड फॉर डिस्कशन. द इशू ऑफ सेफ्टी केम अप ट्वाइस ड्यूरिंग द मीटिंग. सो जो सेफ्टी का मुद्दा है वो दो बार उठाया गया मीटिंग. कम अपोन, कम अपोन का मतलब होता है आपका कि किसी से अचानक मिलना, टू मीट समवन बाय चांस. आई केम अपोन दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट व्हाइल आई वॉज लुकिंग फॉर सम डेकोरेटिव आइटम्स. नेक्स्ट है आपका काउंट ऑन. काउंट ऑन का मतलब होता है आपका कि किसी पर विश्वास करना, किसी पर निर्भर होना, किसी पर निर्भर रहना. ठीक है, मीन्स टू डिपेंड ऑन, टू रिले ऑन. आई कैन नॉट काउंट ऑन देम, मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता. नेक्स्ट है आपका क्रॉप अप. क्रॉप अप का मतलब होता है कि किसी घटना का या किसी प्रॉब्लम का अचानक से होना. ठीक है, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ. वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ, तो यहां पर क्रॉप अप का मतलब है कि टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली. कट अक्रॉस, कट अक्रॉस का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा रास्ता होता है उससे गुजरना, या फिर बहुत ज़्यादा पर या कई ज़्यादा लोगों पर इफ़ेक्ट डालना, प्रभाव डालना, या फिर प्रभावित करना कईयों को. कट अक्रॉस का मतलब होता है. सो दो मतलब हैं, सबसे छोटे मार्ग से गुजरना या फिर कई व्यक्तियों को या कईयों को प्रभावित करना. कट अक्रॉस मीन्स टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे या फिर टू अफेक्ट मैनी. द इशू ऑफ हेल्थ केयर कट्स अक्रॉस ऑल द स्ट्रेटा ऑफ आवर सोसाइटी. कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन का मतलब है आपका कटौती करना, कटौती करना. आप खर्चों में कह लीजिए, ठीक है, कोई कंजम्पशन में आप कह लीजिए कटौती करना. मीन्स टू कर्टेल. वी नीड टू कट डाउन ऑन द इनटेक ऑफ फैटी फूड आइटम्स. कट इन, कट इन का मतलब होता है किसी को इंटरप्ट करना या किसी मामले में हस्तक्षेप करना. हिंदी में मतलब है इसका, मीन्स टू इंटरप्ट. यू शुड नॉट कट इन विद योर अनसॉलिसिटेड एडवाइस. कट आउट फॉर, कट आउट फॉर का मतलब होता है कि किसी कार्य के लिए सही होना, मीन्स किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना. यदि इंग्लिश में बात करें, मीन्स टू बी सुटेबल फॉर. I am cut out for the profession of teaching. कि मैं जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसके लिए क्या है, क्या हूँ, उपयुक्त हूँ, सुटेबल. डान अपॉन, डान अपॉन का मतलब होता है समझ में आना, कोई बात, कोई बात का समझ में आना. डान अपॉन का मतलब होता है, मीन्स टू अंडरस्टैंड. इट dawned अपॉन मी दैट सम स्ट्रेंज एंड सिली ट्विस्ट हैड टेकन प्लेस इन द होल प्लॉट ऑफ द ड्रामा. डील इन, डील इन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता, जा चुका है. मीन्स किसी चीज़ का व्यापार करना, किसी चीज़ का मीन्स का किसी का व्यवसाय करना. टू हैव बिजनेस ऑफ समथिंग. शी डील्स इन शुगर, मतलब वह चीनी का क्या करती है, व्यवसाय करती है. To have business of something. Deal with, deal with का मतलब होता है किसी से निपटना या फिर किसी को handle करना. ठीक है, I cannot deal with the stupid people. तो मैं मूर्ख व्यक्तियों से नहीं निपट सकता, deal नहीं कर सकता. Die down, die down का मतलब होता है आपका कि शक्ति का, कह लीजिए strength या power का कम हो जाना, या फिर धीरे धीरे किसी चीज़ में कमी हो जाना.
उसे बोलते हैं डाई डाउन, द र्यूमर्स विल डाई डाउन, मतलब जो अफवाहें होती हैं एक बार तो पहले पूरे बूम पे होती हैं लेकिन बीच में बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, उनकी जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। डाई और का मतलब होता है किसी की इच्छा या चाह रखना, टू हैव अ ग्रेट विश। आई डाई फॉर लवली हॉलीडे ट्रिप्स टू हिल स्टेशंस। डाई फॉर का मतलब है इच्छा या चाह रखना। डाई आउट, डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त होना, खत्म हो जाना, ठीक है। तो सेवरल स्पीसीज डाइड आउट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, मीन्स की जो बहुत सारी प्रजातियां हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। सो डाई आउट का मतलब होता है आपका विलुप्त हो जाना, खत्म। डिस्पोज ऑफ इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है आपका कि बेचना या फिर किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है। छुटकारा पाना मीन्स टू सेल ऑफ या टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है। आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दीज ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर, मीन ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर जो पुराना फर्नीचर है मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, डिस्पोज ऑफ। डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब होता है भाई समाप्त कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना, मीन्स टू एबोलिश, एबोलिश। वी शुड डू अवे विद करप्शन, हमें करप्शन को खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। डू विदाउट, डू विदाउट का मतलब होता है कि किसी चीज के बिना ही काम चलाना, डू विदाउट का मतलब मीन्स टू मैनेज विदाउट। आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस, मतलब मैं मेरे बिजनेस में मेरे स्टाफ के बिना काम नहीं चला सकता। ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन का मतलब होता है, ड्रैग मतलब खींचना, ड्रैग ऑन का मतलब होता है आपका लंबा खींचना, ठीक है, लंबा खींचना, मीन्स टू स्ट्रेच। द कोर्ट केसेज इन इंडिया ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स, जो कोर्ट केसेज होते हैं इंडिया में बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ड्राइव आउट, ड्राइव आउट का मतलब होता है ड्राइव मतलब कि चलाना, ठीक है, और ड्राइव आउट का मतलब होता है आपका भगा देना, किसी को भगा देना, ठीक है, मीन्स टू मेक समवन रन अवे। ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड, तो जो जानवर हैं खेत में से उन्हें भगा दो। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब होता है कि अचानक से पहुंच जाना, अचानक पहुंचना, टू कम सडनली, सम गेस्ट ड्रॉप इन यस्टरडे, कल कुछ गेस्ट जो है अचानक से टपक पड़े, अचानक से पहुंचना। ड्वेल ऑन, ड्वेल ऑन का मतलब होता है आपका कि किसी बात के बारे में बोलते या सोचते रहना, ड्वेल ऑन का मतलब, या फिर उसी पर निर्भर रहना, किसी चीज पर निर्भर रहना आप बोल सकते हो, मीन्स टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट, या फिर और रेलिंग ऑन समथिंग, मीन्स किसी चीज पर निर्भर रहना। इट इज नो यूज ड्वेलिंग ऑन योर मिसफॉर्चून्स। ईट इनटू, ईट इनटू का मतलब होता है हिंदी में खोखला कर देना, कुतर कुतर कर खाना, खोखला कर देना।
8 इंटू मीन्स टू वीकन करप्शन इज एटिंग इंटू अवर सिस्टम अवर हमारे सिस्टम को जो है करप्शन ने क्या कर दिया है खोखला कर दिया है कर रही है. एंटर इंटू का मतलब होता है किसी कार्य में सम्मिलित होना या फिर किसी एग्रीमेंट में सम्मिलित होना. वैसे तो हम एंटर इंटू का यूज़ नहीं करते जब हमें बात होती है मोशन से रिलेटेड लाइक हम किसी क्लास में जाते हैं कमरे में जाते हैं लेकिन बात होती है एग्रीमेंट की ठीक है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटर इंटू मीन्स टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व इन किसी कार्य में सम्मिलित होना. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू एंटर इंटू दिस एग्रीमेंट. फॉल अपार्ट का मतलब होता है बिखर जाना ठीक है छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना ठीक है जैसे ग्लास टूटता है गिरकर ठीक है तो वो क्या हो जाता है बिखर जाता है टूटकर उसके टुकड़े. सो ब्रेक इनटू पीसेस एवरी पार्ट ऑफ दिस मोमेंट इज फॉलिंग अपार्ट. फॉल अपार्ट मीन्स बिखर जाना. फॉल बैक नेक्स्ट है आपका. फॉल बैक का मतलब होता है आपका पीछे हटना किसे किसी लड़ाई में या किसी कार्य में ठीक है टू रिट्रीट भाग जाना पीछे हटना. द इन्वेडिंग आर्मी वॉज फोर्स्ड टू फॉल बैक ड्यू टू कंटिन्यूअस फायरिंग. फॉल बैक ऑन का मतलब होता है कि मुसीबत के समय डिफ़िकल्टी के समय किसी वस्तु का चीज का थिंग का जो है सहारा लेना सहायता लेना ठीक है. फॉल बैक ऑन ठीक है मीन्स किसी को अपना लास्ट हथियार के रूप में रखना. To use as a last resort आप बोल सकते हो. I have no one to fall back on. Fall flat का मतलब होता है कि किसी शो का ठीक है या फिर किसी भी बात का किसी पर कोई असर न होना किसी की परफॉर्मेंस का किसी के ऊपर कोई असर न होना मीन्स कोई असर पैदा न करना. Fail to produce any effect. Fall for का मतलब होता है आपका प्यार होना. Fall for किसी के प्यार में गिर जाना पड़ जाना और दूसरा होता है आपका किसी का शिकार होना. Fall for का ये भी मतलब होता है आपका. He fell for her simple behavior. तो उसके सिंपल बिहेवियर से उसे क्या हो गया प्यार हो गया. तो यहाँ पे फेल फोर का मतलब है प्यार होना. फॉल इन का मतलब होता है कि जैसे आपकी गाड़ी वगैरह जो है कीचड़ में धंस जाती है ठीक है तो मीन्स फॉल इन का मतलब होता है आपका किसी के अंदर धंस जाना. Means to sink inward. The roof fell in due to heavy rainfall. Fall in with का मतलब होता है किसी से सहमत होना. Means to agree with. I fall in with you on this matter. तो इस मैटर पर मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ सहमत हूँ. फॉल ऑफ का मतलब होता है आपका किसी चीज़ का कम होना. फॉल ऑफ
या कह लीजिए डिक्रीज होना, कम होना, टू बिकम लेस और डिक्रीज, तो स्टॉक प्राइसेस हैव फॉलन ऑफ, तो जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फॉल आउट विद का मतलब होता है आपका किसी से झगड़ा होना या फिर किसी घटना का होना। टू क्वेरल विद या फिर टू हैपन। वी शुड नॉट फेल आउट विद देम विदाउट, वी शुड नॉट फेल आउट विद देम विदाउट एनी राइम और रीजन, तो हमें उनके साथ बिना किसी बात के, ठीक है, झगड़ा जो है नहीं करना चाहिए। फॉल थ्रो का मतलब होता है आपका असफल होना। हिंदी में इसका मतलब है फॉल थ्रो का मीन्स टू फेल। द प्लांट्स फेल थ्रो ड्यू टू योर मिस डिमिन्योर। फील लाइक का मतलब होता है किसी काम को करने का इच्छुक होना या एक्साइटेड होना, किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड होना, इच्छुक होना, मीन्स टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग। आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल। फिगर आउट का मतलब होता है समझ पाना किसी चीज को, समझ पाना किसी कार्य को, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को, किसी रीजन को, मीन्स टू अंडरस्टैंड। आई एम अनेबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ हिज एम्बिगुअस स्टेटमेंट। एम्बिगुअस मीन्स द्विअर्थी, जिसके दो अर्थ हों। फिश फॉर का मतलब होता है कि कुछ पाने का प्रयास करना, भाई जैसे फिश होती है आप उसको पकड़ते हो, ठीक है, तो फिश फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, मीन्स सूचना वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह को, ठीक है। तो जैसे ये आपके रिपोर्टर होते हैं सारे, ठीक है, ये हर समय क्या रहते हैं, फिश फॉर मीन्स कोई सूचना पाने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। टू सीक समथिंग बाय और एज इफ बाय प्रोबिंग। द रिपोर्टर ट्राइड टू फिश फॉर सम इन्फॉर्मेशन। फ्लाई ओपन का मतलब होता है अचानक से खुल जाना, मीन्स टू ओपन सडनली। जैसे कि आंधी आती है और जो है दरवाजे एकदम से खुल जाते हैं, खिड़कियां एकदम से खुल जाती हैं। सो द डोर फ्लूज ओपन व्हेन द स्टॉर्म केम। तो फ्लाई ओपन का मतलब है आपका अचानक से खुल जाना। फॉलो अप का मतलब होता है कि किसी को परस्यू करना, ठीक है, फॉलो करना, ठीक है। तो यू मस्ट फॉलो अप दिस रूटीन फॉर बेटर रिजल्ट। गेन ऑन का मतलब होता है कि किसी के नज़दीक आना, ठीक है, मीन्स टू कम क्लोज टू समवन और समथिंग दैट यू आर चेजिंग। मीनिंग कि जब आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे होते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए आप रेस लगा रहे हैं, ठीक है, दो बाइकों के बीच में रेस लगी है, तो जो पीछे बाइक चल रही है जब वह उसको गेन कर लेगी तो उसका मतलब क्या होगा, गेन ऑन कर लेगी, तो वह उससे क्या निकल गई है, आगे निकल गई है या फिर उसके बराबर। सो आई एम गेनिंग ऑन देम इन माई बिजनेस, सून आई विल लीव देम बिहाइंड। एक एग्जाम्पल है इसका, आई एम गेनिंग ऑन देम इन माई बिजनेस, सून आई विल लीव देम बिहाइंड। गेट अबाउट या फिर गेट अराउंड का मतलब है आपका कि फैल जाना, इधर उधर घूमना या सामाजिक रूप से सजग होना, मीन्स स्प्रेड या फिर मूव राउंड और बी सोशली एक्टिव। गेट अबाउट का मतलब गुड न्यूज आर गेटिंग अबाउट GST इन मार्केट। तो मार्केट के बारे में जो है GST के जो गुड न्यूज है GST के बारे में वो क्या कर रही है, इधर उधर फैल रही है। गेट एट का मतलब होता है किसी चीज़ पर पहुंचना, रिजल्ट पर पहुंचना या समझ जाना, ठीक है, किसी चीज़ को समझ जाना।
आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट एट द ट्रूथ, तो मैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो है मेरा बेस्ट जो है करूंगा, कर रहा हूं। गेट अवे विद, गेट अवे विद का मतलब होता है कि कोई काम गलत करना और पकड़े जाने या सजा से बच जाना। गेट अवे विद मीन्स टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट गेटिंग कॉट और पुनिश्ड। कह लीजिए कि बिना थप्पड़ खाए छित्तर खाए वहाँ से भाग लेना या एस्केप कर जाना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो द थीव्स गोट अवे विद ऑल माई बिलोंगिंग्स, मतलब कि अगर पकड़े जाते तो पिटाई होती, तो जो आप थीव्स क्या हैं, गोट अवे विद ऑल माई बिलोंगिंग्स। गेट बैक, गेट बैक का मतलब होता है आपका लौटना, मीन्स टू रिटर्न। गेट बैक का मतलब होता है लौटना, टू रिटर्न। आई विल गेट बैक टू यू सून। गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब होता है कि किसी से अच्छे संबंध होना, अच्छा संबंध होना। ठीक है, मीन्स हैव स्मूथ रिलेशंस। गेट अलोंग का मतलब ही एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलोन वेल दीज डेज। गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है कि किसी कार्य की तरफ ध्यान देना, मीन्स टू डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड्स समथिंग। प्लीज गेट डाउन टू योर वर्क, एग्जाम्पल है इसका, प्लीज गेट डाउन टू योर वर्क। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है कि कोई कार्य को, ठीक है, आधिकारिक रूप से परमिशन लेना, मीन्स बोल सकते हो आप कि टू लीव वर्क विद परमिशन, कि किसी काम से परमिशन लेकर छुट्टी लेना, आप बोल सकते हो गेट ऑफ। यू कैन गेट ऑफ, यू कैन गेट एन ऑफ टमोरो। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है किसी से अच्छा संबंध होना, किसी से अच्छा संबंध होना, या फिर गेट ऑन का जो मतलब होता है एक और होता है आपका कि प्रगति करना, तरक्की करना, ठीक है, टू मेक प्रोग्रेस या फिर टू बी ऑन हारमोनियस टर्म्स। ही गेट्स ऑन वेल विद ऑल हिज नेबर्स। नेक्स्ट है आपका गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर पार पाना, पार पाना का मतलब होता है टू ओवरकम, ठीक है। अब चाहे वो डिफ़िकल्टी है, कोई व्यक्ति है, कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो फाइनली आई गोट ओवर द डिफ़िकल्टीज एंड कोर्ट केसेस। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब भी होता है आपका छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, ठीक है, किसी व्यक्ति से, किसी केस से, किसी बात से, किसी प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पाना, मीन्स टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ या फिर टू लीव, गेट रिड ऑफ का मतलब है। आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय बैड हैबिट्स, मैं मेरी जो खराब आदतें हैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट रिड ऑफ, यहाँ पे इसका मतलब है छुटकारा पाना। गेट राउंड, गेट राउंड अ प्रॉब्लम, इसका मतलब है आपका कि किसी समस्या या फिर किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए रास्ता ढूंढना। ठीक है, मीन्स टू इवेड और अवॉइड अ प्रॉब्लम। ही विल गेट राउंड यूर प्रॉब्लम्स एज ही हार्डली केयर्स। गेट राउंड समवन, देखिए गेट राउंड प्रॉब्लम हमने पढ़ा है, अब एक और आपका गेट राउंड समवन, किसी व्यक्ति के लिए यदि हम इसे यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, कि किसी को कुछ करने के लिए मना लेना। टू परसुएड समवन टू डू व्हाट यू वांट, कि जो आप चाहते हैं किसी से वह मनवा लें कि वो करे। यू विल हैव टू गेट देम राउंड टू ज्वाइन योर टीम।
गेट थ्रो। गेट थ्रो का मतलब होता है कि किसी कार्य को पूरा करना, किसी कार्य को पूरा करना या फिर कराने में सहायता करना। गेट थ्रो का मतलब मीन्स टू फिनिश और असिस्ट इन फिनिशिंग। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रो दिस टास्क इन अ वीक। यदि आप मेहनत करोगे इस कार्य को आप एक हफ्ते में पूरा कर लोगे। गेट थ्रो का मतलब यहाँ पर मीनिंग मतलब है आपका किसी कार्य को पूरा करना। गेटअप, गेटअप का मतलब होता है जागना, उठो जागो। आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है आपका बांटना भी होता है भाई, बांटना, धोखा देना भी मतलब है गिव अवे का, या फिर कोई चीज़ उजागर करना, सामने लेकर आना। गेट अवे का मतलब है मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, टू रिवील और टू बिट्रे। तो द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस। तो यहाँ पे गेव अवे किसके लिए यूज़ हुआ है, प्राइजेस मीन्स प्राइज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मीन्स यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बांटना। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है मान जाना। यदि आपको कोई परसुएड करता है ठीक है तो आप मान जाते हो, आप यूज़ कर सकते हो गिव इन। एक और मतलब होता है इसका समर्पण कर देना, समर्पण कर देना गिव इन का मतलब है। एक होता है आपका किसी को सौंपना कोई चीज़, सौंपना। तीन मतलब है इसके गिव इन के, मीन्स टू एग्री, टू सरेंडर या फिर टू सबमिट। द डॉटर इन लॉ गेव इन टू हर इन लॉज डिमांड्स। तो यहाँ पे जो आपका गिव इन का मतलब है उसका मतलब है मान जाना। तो जो डिमांड है वो क्या कर ली गई है, मान ली गई है। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हिंदी में छोड़ देना, त्याग देना ठीक है, हार मान जाना, हार मान जाना। गिव अप का मतलब होता है मीन्स टू लीव, टू स्टॉप डूइंग समथिंग या फिर टू याइल्ड। शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, यहाँ पे शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग का मतलब क्या है, गिव अप स्मोकिंग का मतलब क्या है, गिव अप का मतलब यहाँ पे है छोड़ दिया, छोड़ देना। स्मोकिंग क्या कर दी है, छोड़ दी है। गो अहेड, गो अहेड का मतलब होता है कि किसी कार्य को शुरू करना या फिर जारी रखना, मीन्स टू स्टार्ट और कंटिन्यू टू डू समथिंग। गो अहेड इफ यू आर विलिंग टू गेट सक्सेस इन योर बिजनेस। लगे रहो यदि तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस में क्या हो जाओगे, सक्सेस कर जाओगे। गो अलोंग, गो अलोंग का मतलब होता है सहयोग देना। गो अलोंग का मतलब होता है सहयोग देना, मीन्स टू कोऑपरेट, कोऑपरेट। आई विल गो अलोंग विद देम ऑन दिस इशू। गो एट, गो एट का मतलब होता है कि पूरे जोश से, पूरी ऊर्जा से किसी पर हमला करना। बोलते हैं ना कि एकदम से टूट पड़े, वो मतलब होता है गो एट। टू अटैक स्पेशली विद एनर्जी। द बुल वेंट एट द ऑडियंस एंड दिस लेड टू स्टैम्पेड। गो बैक ऑन, गो बैक ऑन का मतलब होता है वादे से मुकर जाना, वादे से मुकर जाना। Means to break a promise. Why did you go back on your promise? Go by, go by का मतलब होता है कि नियम के अनुसार ठीक है, नियमानुसार जो है कोई कार्य करना ठीक है, या फिर विश्वास करना, स्वीकार कर, सॉरी नियम अनुसार कोई कार्य करना या फिर गुजरना समय इत्यादि का। गो बाय का मतलब मीन्स टू वर्क अकॉर्डिंगली या फिर टू इलेप्स।
वी शुड गो बाय द ट्रैफिक रूल्स, तो हमें जो है ट्रैफिक रूल्स के अनुसार चलना चाहिए। गो डाउन, गो डाउन का मतलब होता है आपका कि विश्वास कर किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, मींस विश्वास करना और स्वीकार करना, स्वीकार करना, इसका हिंदी में मतलब है गो डाउन। तो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिड नॉट गो डाउन वेल इनिशियली, गो डाउन इन हिस्ट्री, गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब होता है यदि आप कोई अच्छा काम करोगे तो आप क्या हो जाओगे, गो डाउन इन हिस्ट्री मीन्स इतिहास में आपका एक अच्छा नाम दर्ज होगा, इतिहास में नाम दर्ज कराना, टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री। इफ़ यू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स यू नेम योर नेम विल गो डाउन इन हिस्ट्री, तुम्हारा नाम जो है इतिहास में लिखा जाएगा यदि तुम अच्छा काम करते हो, भलाई करते हो दूसरों की। गो फॉर, गो फॉर का मतलब होता है कि आक्रमण करना, आक्रमण करना। एक और मतलब होता है गो फॉर का कि कुछ पाने की कोशिश करना, कुछ पाने की कोशिश करना। एक और मतलब होता है आपका कि चुनना, चुनना कई चीज़ों में से, ठीक है, किसी एक को चुनना। तो गो फॉर का मतलब है टू अटैक या फिर टू ट्राई टू अटेन। इट वॉज ही हु वेंट फॉर नेम एंड फेम एंड लेफ्ट हिज फैमिली। तो यहाँ पे वेंट फॉर का मतलब होता है आपका कि कुछ पाने की कोशिश करना। ही वेंट फॉर नेम एंड फेम, तो वह नेम एंड फेम पाने की क्या करा, कोशिश, वेंट फॉर नेम एंड फेम। गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब होता है आपका कि जैसे बंदूक से गोली छूटना, ठीक है, गो ऑफ का मतलब है एक्सप्लोजन, बम फूटना। गो ऑफ का मतलब है मीन्स एक्सप्लोड, गो ऑफ। द बॉम्ब वेंट ऑफ एंड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर। गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, उसको जारी रखना, उसको जारी रखना, गो ऑन, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। She went on reading the book while we waited for him to join the party. Go over, go over का मतलब होता है आपका स्वीकार करना, स्वीकार करना means to gain acceptance। Go over का मतलब, the film went over well। गो थ्रो, गो थ्रो का मतलब होता है आपका कि किसी समय से गुजरना, किसी दौर से गुजरना, ठीक है। और गो थ्रो का मतलब होता है आपका पढ़ना, बोलते हैं ना गो थ्रो योर सिलेबस, ठीक है। तो दो मतलब है इसके, किसी दौर से गुजरना या फिर पढ़ना, मीन्स टू पास थ्रू अ टाइम या फिर टू रीड। लेट मी गो थ्रू दिस बुक, तो यहां पे गो थ्रू का मतलब क्या है, पढ़ना। गो अप, गो अप का मतलब होता है आपका, देखिए गो होता है जाना और अप मतलब कि बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, ठीक है। टू इंक्रीज, इंक्रीज आप बोल सकते हो। प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वेंट अप ड्यू टू फेमाइन, तो सूखे की वजह से जो फूड ग्रेन के प्राइस हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। गोविद, गोविद का मतलब होता है आपका कि चुनना, ठीक है, मीन्स टू सिलेक्ट और चूज। आई कैन नॉट गो विद दिस ब्रांड, इट इज आउट ऑफ फैशन, मीन्स मैं ये ब्रांड नहीं लूंगा, ये क्या हो चुका है, आउट ऑफ फैशन। हियर ऑफ, हियर ऑफ का मतलब होता है आपका कि किसी चीज का समाचार मिलना,
न्यूज़ मिलना, मीन्स टू गेट द न्यूज़ अबाउट। हीरिंग ऑफ हर हजबेंड्स डेथ शी फेंटेड। हिट ऑन अपॉन, हिट ऑन का मतलब होता है आपका कि एकदम से दिमाग में कुछ आना, ठीक है, बोलते हैं ना एकदम से दिमाग काम करना जो है शुरू कर गया, एकदम से दिमाग में कोई आइडिया आना, टू कम टू माइंड सडनली। एन आइडिया हिट अपॉन मी व्हेन आई वाज रीडिंग द टेम्पेस्ट अ प्ले बाय शेक्सपियर। होल्ड बैक, होल्ड बैक का मतलब होता है कि खुद को किसी कार्य से करने के लिए रोके रखना, होल्ड बैक, ठीक है, हिंदी में मतलब होता है मीन्स टू रिटेन वंस पोजेशन, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ या फिर टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ। प्लीज होल्ड बैक योर इमोशन व्हेन यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। तो अपनी जो फीलिंग है, इमोशन है, उसको होल्ड बैक करके रखना चाहिए, मीन्स जो है रोके रखना चाहिए जब आप क्या है स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन का मतलब होता है आपका नियंत्रित करना। नियंत्रित करना या फिर रोकना, होल्ड डाउन का मतलब, ठीक है। फिल्मों वगैरह में देखते होंगे आप, गेम्स, वीडियो गेम वगैरह चलाते होंगे आप, तो उसमें आपने सुना होगा बार बार फ्रेजेस होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। होल्ड डाउन का मतलब होता है नियंत्रित करना या फिर रोकना या फिर टू प्रिवेंट या फिर टू लिमिट। द मिलिटेंट वर्ड हेल्ड डाउन बाय द इंडियन आर्मी। होल्ड डाउन, होल्ड ऑन का मतलब होता है कि पकड़ कर रखना, ठीक है, मीन्स टू मेंटेन वंस ग्रिप, या फिर इसका मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, ठीक है, और मीन्स टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी, चाहे कितनी भी कठिनाई हो फिर भी किसी चीज़ को जो है जारी रखना। टू वेट फॉर समथिंग वांटेड और रिक्वेस्टेड, या फिर किसी का जो है इंतजार करना, ठीक है, तो होल्ड ऑन का मतलब है। सो प्लीज होल्ड ऑन वाइल वी ट्रांसफर योर कॉल टू द एग्जीक्यूटिव। होल्ड विद, होल्ड विद का मतलब होता है आपका सहमत होना। सहमत होना मीन्स अप्रूव ऑफ या फिर एग्री विद। आई कैन नॉट होल्ड विद देम ऑन दिस मैटर, तो इस मैटर पर मैं उनके साथ क्या हूं, सहमत नहीं हूं। सो होल्ड विद का यहां पे मतलब है आपका सहमत होना। हंट डाउन, हंट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को, व्यक्ति को, सस्पेक्ट को खोज निकालना, ठीक है। टू परस्यू सक्सेसफुली बाय डिलीजेंट सर्चिंग एंड चेजिंग, हंट डाउन का मतलब होता है। द मिलिटेंट वर हंटेड डाउन एट द बॉर्डर। हश अप, हश अप का मतलब होता है छिपाना। कंसील मीन्स टू हाइड। दे हश्ड अप दिस मैटर एंड द ट्रूथ नेवर केम टू लाइमलाइट। तो हमने इस मैटर को क्या कर लिया, छिपा लिया, जिसकी वजह से जो ट्रूथ है वो कभी सामने नहीं आया। इम्प्रेस ओन, इम्प्रेस ओन का मतलब होता है मन में बैठाना, ठीक है, किसी आइडिया या कोई बात किसी व्यक्ति के मन में बिठाना। टू कन्विंस समवन या फिर इम्पार्ट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ समवन। शी कैन इम्प्रेस अपॉन देम ईजली एंड वी विल बी लेफ्ट इन लर्च। आयरन आउट, आयरन आउट का मतलब होता है आपका कि समस्या की गंभीरता जो है उसको कम कर देना, किसी भी प्रॉब्लम की सीरियसनेस को कम कर देना, या फिर आप बोल सकते हो कि समस्या को आसान बना देना। टू ईज अ प्रॉब्लम वी नीड टू आयरन आउट अवर डिफरेंसेस।
तो ये आपके 150 जो है फ्रेजल वर्ब थे। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है लाइक कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सक्सेस मंत्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जो वीडियोज़ की अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और यदि आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ लगते अच्छे हैं और आप कोई कंट्रीब्यूशन चैनल पर करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम नंबर 9034793107 पर कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है। तो मिलता हूँ आपसे इसके सेकेंड पार्ट के अंदर जिसमें जो आपके अनदर 150 जो है हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है, और शेयर करना भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।